दो सूत्री मांग को लेकर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 5 दिवसीय हड़ताल पर हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर कोरबा के करीब 30,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनके इस प्रदर्शन से प्रशासन का पूरा काम ठप हो गया है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले सरकारी कर्मचारी दो सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है और सारे काम ठप पड़ गए हैं। आंदोलनरत सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 34% महंगाई भत्ता दे, इतना ही नहीं 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता भी दे। वर्तमान में 30,000 कर्मचारी धरने पर हैं, जबकि पूरे प्रदेश में इनकी संख्या लाखों में है। फेडरेशन ने अल्टीमेटम दिया है कि सरकार जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं रेशम कुर्रे, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा। स्वास्थ्य विभाग के सारे हमारे जिले में 700 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पूरे कर्मचारी 5 दिवसीय सामूहिक अवकाश के प्रपत्र भर के जिला में जमा कर दिए हैं। ये सारे 56 कार्यक्रम है स्वास्थ्य के, 28 जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय कार्यक्रम, वो प्रभावित होगा। अभी टीकाकरण कार्य भी प्रभावित होगा, तो ये जब तक मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग प्रांतीय निकाय के आह्वान पर उस मांग के समर्थन में स्वास्थ्य विभाग भी कंधे से कंधे मिलाकर आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर दो सूत्रीय मांगों के समर्थन पर आज जिला कोरबा में लगभग 25,000 से 30,000 कर्मचारी आज इन दोनों मांगों के समर्थन में धरना में हैं। चूँकि इस धरना स्थल में लगभग कम से कम 800 से 1000 कर्मचारी अभी मौजूद हैं, लेकिन आने वाली कुछ समय के पश्चात यहाँ की संख्या जो है बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के लगभग 1.25 लाख कर्मचारी अपने दो सूत्रीय मांगों के समर्थन पे पूरी छत्तीसगढ़ के विकास खंडों में, तहसीलों में और जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। सरकार इन मांगों के को यदि गंभीरता से नहीं लेगी तो आने वाले समय में बृहद आंदोलन का रूपरेखा प्रदेश स्तर पर बनेगा। अभी 5 दिवस का अनिश्चितकालीन धरना है और इन 5 दिन के अंदर के पश्चात यदि मान लीजिए मांग पूरी नहीं होगी तो हमारे प्रदेश स्तर में एक व्यापक बैठक होगी, विशाल बैठक होगी, जिसमें लगभग 80 संगठन के प्रमुखों का उपस्थिति होगी। जो मिलना चाहिए जो अभी पे रिवाइज है उसके आधार पे, जो छत्तीसगढ़ सरकार बहुत लंबे समय से इस चीज़ को दबा के रखती है।